कपड़ों पर करिए, कपड़ों पर करिए और करिए, पैर फैलाइए। क्या हो रहा? चेकअप कर रहा हूँ। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी? पागल हो गया क्या तू? मैं गायनी नहीं ले रहा हूँ। शुक्र करो तुम्हें टट्टी पेशाब नहीं मिला। पैथोलॉजी बोलते हैं उसे। तुम गायनी ले लो, मैं ऑर्थो ले लेता हूँ। तुम गायनी लो या ऑर्थो लो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? और तुम गायनी ले लो ना यार। क्यों? दो चीज मेरे पास है ही नहीं, उसका इलाज मैं क्या करूँगा? रीढ़ की हड्डी तो है नहीं तुम्हारे पास, हड्डियों का डॉक्टर बनके करोगे क्या? यार मुझे किसी तरह ऑर्थो मिल जाए यार। फर्स्ट ईयर। 10 दिन लेट है आप, शगुन का और एक दिन ले लेते। वो क्या देख रही हो? डॉक्टर नहीं है वो, फीमेल डॉक्टर प्रेफर करते हैं। मेल फीमेल क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। पेशेंट जैसा नहीं सोचते ना। पहले आप तो ऐसा सोचे, यू हैव टू लूज द मेल टच। क्या बताऊं यार, जब से डॉक्टर नंदिनी से ये लेक्चर मिला है ना मेल टच पे, तब से मेरे निप्पल से दूध आने लगा है। सेल्फी खींच दो जरा, फेसबुक पे डालूंगी और टिंडर पे भी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? मोहल्ले वालों को पता चलेगा कि तुम लड़कियों के गुप्तांग देखते हो तो फिर क्या सोचेंगे? आपकी गलती की वजह से वो लड़की मर सकती थी। You've committed a crime. कोशिश करते रहिए, बच्चा जरूर होगा। एक साल में 116 बार लौटाना साधे। समझ में आ रहा है आपको? आप गिन रहे हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई कुछ लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने कसम खा रखी है कि ऐसी बातें सीना ठोक कर करने की जिसके बारे में दो लोग भी आपस में बात करने से शर्माते हैं। ऐसे कुछ लोगों में से एक है आयुष्मान खुराना, जिनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन लाजवाब होता है। भाई फिर एक मर्तबा आ गए हैं माशरे के एक नए मसले के साथ डॉक्टर जी बनके, जिनका नाम है डॉक्टर उदय गुप्ता। इस बार आयुष्मान खुराना बने हैं गायनाकोलॉजिस्ट। अब माशरे की एक सोच ऐसी बन गई है कि गायनाकोलॉजिस्ट तो फीमेल ही होती है और फीमेल ही होनी चाहिए, क्योंकि मेल डॉक्टर को आज भी इस जॉब में लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बस इसी मुद्दे को लेकर बनी है डॉक्टर जी। उदय गुप्ता जो के बनना चाहते थे आर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन बन गए गायनाकोलॉजिस्ट। कॉलेज में भी अपने बैच के एक इकलौते लड़के थे, वहां पर भी उनके क्लासमेट यानी रकुलप्रीत और उनकी टीम ने रैंकिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि सीनियर भी आयुष्मान की प्रॉब्लम को समझ ना पाई। कुल मिला के उदय भैया की लगी हुई है क्लास। बार की तरह आयुष्मान को पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है। रियल सब्जेक्ट, रियल प्रॉब्लम, रियल सिनेमा, सवाल तो पूछना बनता है कि स्क्रिप्ट के बाद आयुष्मान को लेते हैं या आयुष्मान के लिए सारे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। उनका सब्जेक्ट बढ़िया है, यूनिक है और ज़रूरी भी है लोगों को एजुकेट करना। फिल्म का मकसद डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करके लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। एज टोटल डॉक्टर जी एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आयुष्मान खुराना वही पुराने वाले हैं। बाकी बातें करेंगे मूवी देखने के बाद 14 अक्टूबर को। आपको आयुष्मान का ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें।